श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, दक्ष के यज्ञ एवं उसके विध्वंस की कथा इस प्रकार है। एक समय दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवर्षियों, महर्षियों और देवताओं को बुलवाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके ब्रह्मा, विष्णु सभी को उस यज्ञ में बुलाया एवं बहुत सत्कार किया। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें भी अपने यज्ञ में नहीं बुलवाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीचि मुनि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे बोले, मुख्य मुख्य देवताओं और महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पाणि शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष, वृषभध्वज, परमेश्वर, नीलकंठ यहाँ क्यों दिखाई नहीं दे रहे? दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपालगणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान है, वहाँ से दक्षिणंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण यत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा, यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र आए हैं। आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आए हैं। जो जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब के सब आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता हैं न पिता, वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं,
उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की यह बात सुनकर दधीची ने समस्त देवताओं और मुनियों को सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रह गया, विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़ी और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदनंतर जो मुख्य मुख्य शिव भक्त और शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी वहां से तुरंत निकल गए और अपने अपने आश्रमों को चले गए। उनके निकल जाने पर दक्ष ने उनका उपहास करते हुए बोला, जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई, मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंदबुद्धि हैं और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावे। दक्ष की बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। इधर बहुत से देवर्षिगण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति के उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ विजया, जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उनसे यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब देवी सती को सुना दिया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया कि क्यों उनके पिता ने उनको भी सूचना नहीं दी कि इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। सती शीघ्र ही भगवान शंकर के पास गई और कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी की यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देवर्षि एकत्र हो रहे हैं। देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। सुहृदों का यह धर्म है कि वे सुहृदों के साथ मिले जुले, यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ मेरे पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान शंकर मधुर वाणी में बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घरों में जाते हैं, वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है, यह मैंने सच्ची बात कही है। सती बोली, शंभु, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है,
उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव का मैं पता भी लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें। देवी सती के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता की घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण और परम उज्ज्वल छत्र, चामर आदि उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ उत्सव मनाते हुए देवी सती के साथ गए। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथ गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ उससे तीनों लोक गूंज उठे। दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनिन्द्र आदि सभी उपस्थित थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई और अपनी वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता वीरिणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं दिया और उन्हीं के भय से यज्ञ में आए हुए अन्य लोगों ने भी देवी सती के प्रति आदर भाव नहीं दिखाया। सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु भगवान शंकर का भाग उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। तब सती ने दुस्सह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी क्रोध से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती हुई और दक्ष को जलाती हुई सी बोली, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ, यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान है, उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। देवी सती की क्रोध से भरी हुई इन बातों को सुनकर वहां उपस्थित मुनि और देवता सभी चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुभेष धारण किए रहते हैं,
इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देवर्षियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंड और दुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था, अतः तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर देवी सती का क्रोध बढ़ गया और वो सोचने लगी, अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी? यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? क्रोध में भरी हुई देवी सती ने दक्ष से कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा सुनता है वे दोनों नर्क में स्थान पाते हैं। अतः तात, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? इस प्रकार क्रोधित हुई देवी सती ने बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें कही और दक्ष से इस प्रकार कहा, जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसीलिए आपके अंग से उत्पन्न हुए सदा सब के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चित ही त्याग दूंगी और ऐसा करके मैं सुखी हो जाऊंगी। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि और अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म और नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर लगाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। इस प्रकार उस यज्ञ में दक्ष और देवताओं से भगवान शिव के नाम के महत्व को बताने वाली देवी सती चुप हो गईं और मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करने लगीं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित होकर देवी सती ने अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदनंतर अपने पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सभी वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसीलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। सती का निष्पाप शरीर तत्काल उसी यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। फिर तो वहां उपस्थित मुनियों और देवताओं में हाहाकार और भगदड़ मच गई। उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर तुरंत ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। कितने ही पार्षद तो शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय देवी सती के साथ ही नष्ट हो गए। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमथगण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए मंत्र जप किया। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक सहस्त्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। उन सब के हाथों में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रमथ गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रमथ गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। प्रिय भक्तों, प्रजापति दक्ष का यज्ञ एवं उसका विध्वंस खंड 1 यहीं पर समाप्त होता है एवं खंड 2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसे आप अवश्य सुने। धन्यवाद।